काजल, पढ़ाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। जब भी हम पढ़ेंगे तो पूरी ध्यान के साथ, इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। और जब हम पढ़ेंगे तब शांत दिमाग होनी चाहिए। भैया, हम पढ़ते हैं किंतु हमें याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों अभी याद किया फिर भूल जाती हूँ। ये इसीलिए होता है काजल कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ध्यान से समझ कर नहीं पढ़ते, और हमें जब भी पढ़ना चाहिए शांत जगह में जहाँ शोर हल्ला ना हो, तब हमें अच्छी पढ़ाई होगी। क्या हो भैया, आप इस तरह खड़ा क्यों हो गए अचानक? भैया, यहाँ तो सांप घुस आया है। हाँ काजल, ये बहुत ही जहरीला सांप है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैंने टीवी पे देखा था। आप क्या करेंगे भैया, ये घर से कैसे निकालेंगे इसे? हमें पापा को बुलाना पड़ेगा। पापा, घर में सांप घुस गया है। क्या बात कर रहे हो बेटा, घर के अंदर सांप कैसे? हाँ पापा, और बहुत जहरीली सांप है, और काजल पढ़ाई कर रहे थे तभी देखा मैंने। आप जल्दी चलिए। ठीक है बेटा, तुम चलो और दूर रहना, मैं आता हूँ। सच कहा तुमने, ये तो बहुत ही जहरीली सांप है, हमें सपेरा को बुलाना चाहिए, वरना ये काट लेने से जान बचना मुश्किल होता है। हेलो सपेरा भाई, मेरे घर में एक सांप घुस आया है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, और सांप बहुत जहरीली है इसीलिए देर ना करें, तुरंत आइए। फिर तुरंत सफेरा उनके घर आ जाते हैं और सांप को पकड़ने के लिए उनके रूम में घुसते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत जहरीले सांप हो, लेकिन तुमसे मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, चलो अब मेरे साथ चलो। फिर सफेरा इस तरह से सांप को बड़ी आसानी से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और उनके पापा से बात करते हैं कि मैंने सांप को पकड़ लिया, अब चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है सफेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका जो भी खर्चा हो आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जहरीला सांप है। मुझे पता है, लेकिन यहाँ इस तरह घर में सांप? अरे ये कोई बात नहीं है, कहीं से भी सांप घुस सकता है।